हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ऐसी ट्रेडिंग ज्ञान। तो फ्रेंड, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ONGC शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस करने के साथ ही हम इसकी करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। इसके अंदर जो कंटिन्यू गिरावट आ रही है उसको जानने की कोशिश करेंगे, फंडामेंटली कोई वीकनेस इसके अंदर दिखाई दे रही है या फिर सिर्फ टेक्निकली इसके अंदर इतनी ज़्यादा गिरावट हो रही है, मार्केट का इसके ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है या फिर जो भी इसकी रीज़न है, सब चीज़ यहाँ पर डिस्कस करके एक फ्रेश लेवल निकालेंगे एंट्री का, और उस एंट्री लेवल के क्या टारगेट क्या स्टॉप लॉस होने वाले वो भी आपके साथ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो फ्रेंड, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, पूरे के पूरे टेक्निकल और फंडामेंटल यहाँ पे आपको बताए जाएंगे। फ्रेंड, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं अपना टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपके सामने जो चार्ट लगा रखा है मैंने, ONGC का चार्ट है। सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखिएगा, ये चार्ट है आपका 1 वीक का चार्ट है, मतलब यहाँ पे एक कैंडल जो है वो 1 वीक को प्रदर्शित करती है, ना कि 1 दिन को, ना कि 1 मिनट को, 5 मिनट को, इस टाइप की चार्ट नहीं है। 1 वीक का चार्ट है जो कि एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म का आपको यहाँ पे दिखाने वाला है। यदि आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं और आपकी पोजीशन लॉस में है तो कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्या लॉन्ग टर्म सिनारियो इसके अंदर दिखाई दे रहा है वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। और यदि आप इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं तो कहाँ पे आपको फ्रेश एंट्री लेना चाहिए, क्या टारगेट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा, ये चार्ट आपके सामने लगा हुआ है ONGC का, इसका एक ट्रेंड चला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लाइन्स मैंने इसमें ड्रॉ की है, दोनों ट्रेंड लाइन जो उसके ऊपर बिल्कुल रिस्पेक्ट स्टॉक ने किया है। किस तरीके से क्या आप देख सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट है हमारा इस लाल चार्ट को क्या करता है, नीचे की तरफ लाइन जो है हमारी इसको टच करता है। इसको टच करने के बाद जितने भी बार इस लाइन को टच किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अप ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे जो लो लग रहे हैं वो ऊपर की तरफ लग रहे हैं। देखिए, इस वाले लो से बड़ा ऊपर के हायर लो लगाइए, उसके बाद लो और ऊपर चला गया, यहाँ पे और हायर हो गया। देखिए, उसके बाद का लो और ज़्यादा ऊपर चला गया, ये देखिए हायर लो हो गया, और ज़्यादा ऊपर लो चला गया, कंटिन्यू ऊपर की तरफ ये स्टॉक क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये होता है अपना अप ट्रेंड। इसी तरीके से अगर हाई की बात करें तो हाई आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो हाई है उसके ऊपर हमारा ये वाला हाई लगा हुआ है, उसके भी ऊपर हमारा हाई यहाँ पे लगा हुआ है, और उसके भी ऊपर हाई इधर लगा हुआ है, और उसके भी ऊपर जो हाई है यहाँ पे लगा है, और हाई देखिए यहाँ पे ऊपर के ऊपर हाई लगे जा रहे हैं, मतलब हायर हाई हायर लो का पैटर्न चल रहा है। इसे कहते हैं हम अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का स्टॉक है, या अप ट्रेंड अगर इसके अंदर चल रहा है तो क्या इसके अंदर सिनारियो बन रहा है, अब अपन देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं फिलहाल क्या सिचुएशन बनना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, जब भी इस वाली लाइन को इसने टच किया है, आप भी देख सकते हैं यहाँ पे, एक बार यहाँ पे देखिए और एक बार इस वाले लेवल पर, एक बार लगभग लगभग इस लेवल को अपन मान सकते हैं कि इसके पास तक आने की कोशिश की थी। तो इन दोनों लेवल पे जब भी टच हुआ है उसके बाद ऊपर की तरफ भागा स्टॉक, देखिए यहाँ पे फिर वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ टच करके फिर ऊपर, मतलब हर बार इसको रिस्पॉन्ड किया है, इस हिस्ट्री को दोहराया है। लेकिन फ्रेंड अभी थोड़ी सी कहानी बदल गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो लेवल है यहाँ पे, इतने कैंडल को अगर अपन देखें, कुछ वीक के कैंडल है यहाँ पे, पिछले चार वीक के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पे भी रिस्पॉन्ड किया है। देखिए, इस वाली के थोड़ा नीचे आया, वापस ऊपर गया है स्टॉक, ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं गया, लेकिन सस्टेन नहीं किया और ऊपर की तरफ जाके इस लेवल को टच नहीं किया जहां मैं सर्कल अभी बना रहा हूं। तो यहां पे टच नहीं किया है तो फिर किस लेवल को यहां पे तोड़ा है, देखिए इस लेवल को फाइनली इसने यहां पे तोड़ा है। यहां पे अगर इस लाइन को तोड़ता है, हमारी कौन सी लाइन है, हमारी जो नीचे वाली सपोर्ट लाइन है, इस सपोर्ट लाइन को नीचे की तरफ अगर ब्रेक कर दिया है तो इतना मारा बुजू कैंडल बना यहां पे, बड़ा सा एक हैवी कैंडल है जो कि नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो अब यहां से इसके अंदर एक डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सिर्फ मैं कह रहा हूं मिल सकता है, मिलेगा ऐसा मैंने यहां पे नहीं बोला है। तो फ्रेंड एक बात का हमेशा ध्यान रखें, डाउन ट्रेंड मिल सकता है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक बड़ी कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ बनी है। साथ ही में जितने भी हमारे मार्केट है, निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, ग्लोबल इंडाइजेस तक सारे के सारे गिरावट में हमें अभी दिखाई दे रहे हैं। तो यदि यह गिरावट कंटिन्यू जारी रही तो आगे आने वाले दिनों में और भी गिरावट हमें यहां पे देखने को मिलेगी क्योंकि ये टूट चुका है प्राइस पॉइंट। तो फिर ना फ्रेश एंट्री की बात करें तो कहां बनती है हमारी एंट्री, उसको हम अब यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड देखिएगा, यहां पे कहीं भी तोड़ा नहीं था, इसको यहां पे तोड़ दिया तो एक एंट्री तो ये बनती है। यदि कल को यहां पे कोई ग्रीन कैंडल फॉर्मड होती है तो एकदम एंट्री नहीं करने का कह रहा हूं मैं, लेकिन ग्रीन कैंडल जैसे ही इसके अंदर एंट्री करती है और सस्टेन होकर इसके अंदर ही क्लोज हो जाती है, वहां पर आपको क्या करना है, इसके अंदर एंट्री करना है। अगर वहां पर आप एंट्री करते तो आपका टारगेट जो होने वाला है वो इस वाले लेवल पर होगा यहां पर, तो
आपको टारगेट क्या निकल के आ रहा है, स्टॉप लॉस क्या निकल के आ रहा है, ये भी मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ। देखिए 175 रुपये के ऊपर अगर बात करें, 200 रुपये या 200 रुपये के आसपास आपका टारगेट रहने वाला है और एंट्री आपकी होने वाली लगभग 160 रुपये या 155 रुपये के आसपास। तो एंट्री लेवल आपका होने वाला है 155 रुपये यदि ये ऊपर जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर अभी तो 141 पे चल रहा है, 141 पे चलते हुए स्टॉक की एंट्री 155 पे हम क्यों करें? तो फ्रेंड ध्यान दीजिए, यदि 141 से नीचे लुढ़का तो बहुत नीचे चले जाएगा, यदि यहाँ से रिवर्सल आया और 141 के ऊपर गया तो हम मान सकते हैं कि ये स्टॉक अभी और ज़्यादा ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये नीचे जाता है तो आपको इसके अंदर एंट्री नहीं करना है, थोड़ा सा टेक्निकली सोचना है आपको इसके अंदर, जब जाके आपको इसके अंदर प्रॉफिट होगा। नीचे के स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो कहाँ पर स्टॉप लॉस इसके अंदर हमें रखना है, तो फ्रेंड देखिए जितने भी यहाँ पे लेवल है उसमें 141 के लेवल पे हर बार इसने क्या किया है, सपोर्ट लेके टच किया है। यदि यहाँ से ऊपर की तरफ गया और आप इसमें एंट्री करते हैं तो आपको जो स्टॉप लॉस रखना है 140 रुपीज़ का रखना है, जो कि आपका एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा एज कम्पेयर टू टारगेट। यहाँ पे आपका टारगेट अच्छा खासा मिल रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये टारगेट आपको एक दो दिन में अचीव नहीं होने वाला है, कम से कम टाइम फ्रेम अगर आप 6 महीने रख रहे हैं तो आप इस वाले स्टॉक के अंदर नजर डालिए जो मैं टारगेट और स्टॉप लॉस दे रहा हूँ उसके लिए। लेकिन यदि आप छोटा सा गेम खेल रहे हैं इंट्राडे या फिर एक दो दिन का, तो आप बिल्कुल इस वाले से क्या रहिए, दूर रहिए। तो फिर यहाँ पे मैं इसको करता हूँ इरेज और अब मैं चलता हूँ इसकी टेक्निकल के बाद, अब फंडामेंटल का नंबर आ चुका है। तो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या बताती है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो फ्रेंड फंडामेंटल देखिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस ONGC के स्टॉक को मैंने लगाया है, इंसेंट्रिक वैल्यू बताई जा रही है, करंट प्राइस इज लेस देन द इंसेंट्रिक वैल्यू है, सस्ते भाव पे आपको स्टॉक मिल रहा है, बिल्कुल इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी वर्सेस FD रेट की बात करें तो FD के कंपेयर में आपको अच्छा रिटर्न इसके अंदर प्रोवाइड हो जाएगा, डिविडेंड ऑफर अच्छा खासा करता है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं है। एंट्री पॉइंट भी यहाँ पे अच्छा माना जा रहा है क्योंकि ओवरबॉट जोन में स्टॉक नहीं चल रहा है। आप कर्सर पे जरूर ध्यान दीजिएगा, सारी की सारी चीजें कर्सर पे ही मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, कोई भी रेड फ्लैग यहाँ पे फॉर्म नहीं होता है। जो भी प्रमोटर है उनकी होल्डिंग गिरवी नहीं रखी गई है, जो भी शेयर है वो उनके पास ही है, उनके जो भी है। फोरकास्टिंग का डाटा क्या निकल रहा है यहाँ पे भी हम बात कर लेते हैं, 83% एनालिसिस आपको सजेस्ट करते हैं आपको इसके अंदर बाइंग की पोजीशन बनाना चाहिए, और यहाँ पे जो कवरेज है वो 23 एनालिसिस के यहाँ पे कवरेज निकल के आती है। यदि हम पी रेशो चेक कर लें, इसका थोड़ा सा पी रेशो क्या निकलता है वो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 3.91 का यहाँ पे पी रेशो है, जबकि सेक्टर का पी 13.48 है। तो सेक्टर के कंपेयर करें तो पी रेशो इसका सही साठ यहाँ पे क्लियर अच्छा निकल के आ रहा है। फाइनेंशियल को डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा फाइनेंशियल किस तरीके का इसका निकल रहा है। तो फ्रेंड देखिएगा, फाइनेंशियल की अगर हम यहाँ बात करें तो हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इंक्रीज भी हुआ है मार्केट शेयर में, जैसे कि 92% से 94 हो गया, तो अच्छी बात है, तो कि मार्केट शेयर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम हुआ, ये थोड़ा सा सोचने वाला विषय है, हम देख लेते हैं एक बार रेवेन्यू और इनकम किस तरीके किसकी निकल के आ रही है। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर जो है 2019-20 इन चारों को कंपेयर करें, यदि हम सिर्फ 21-22 को कंपेयर करें तो भी हमें अच्छा खासा टोटल रेवेन्यू यहाँ पे देखा है। उसके अलावा जो नेट इनकम है वो 16,000 से बढ़ के 45,000 करोड़ हो गई, जो कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में। बात करते हैं यदि हम आधे पुराने सालों की, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं वीडियो को पुश करके। तो फिर ये था हमारा पूरा इसका फंडामेंटल एनालिसिस, अब इसका होल्डिंग पैटर्न देख के वीडियो को हम करेंगे यहाँ पे वाइंड अप। होल्डिंग पैटर्न कैसा निकल के आ रहा है आप देख सकते हैं, डिक्रीज हुआ है प्रमोटर होल्डिंग के अंदर, लो प्लेस प्रमोटर होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कॉन्स्टेंट है। सबसे अच्छी बात है फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे बढ़ाया है, जो कि एक अपने आप में बहुत अच्छी बात यहाँ पे निकल के आती है। तो फ्रेंड देखिए 58% प्रमोटर की होल्डिंग है, 6% म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 10% है, FII के लगभग 10% है, रिटेल इन्वेस्टर की भी 10% की यहाँ पे होल्डिंग हमें दिखाई देती है। तो ये था हमारा पूरा टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, मैंने आपको लेवल बता दिया है, आप अभी भी बाइंग कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा स्टॉक अच्छा है फंडामेंटली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।